Hello my beautiful guest runners out there, my name is Sneha and welcome back to my channel. So after a much thought and procrastination, I thought that ki aaj kuch kar lete hain. Yes, I can do it. Fighting. So anyway, आपको अगर पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा नाम स्नेहा है. मैं कभी कभार यूट्यूब में वीडियो बना लेती हूँ एंड आई प्रेफर मच क्विर्की टाइप ऑफ वीडियोस. एनीवे, एंड आज का थीम है मेकअप. ऑफिस में मेकअप ही है, मेरे को मेकअप बहुत पसंद है एंड ऑल्सो एनीमे भी पसंद है. वैसे इफ यू आर एनीमे लवर, हैव यू हर्ड अबाउट जुजुत्सु काइसेन? ओ माय गॉड, गोजो सेंसे, इट्स अमेजिंग. सो एनीवे, इतना सब कुछ बकबक करने के बाद अभी लगता है मेरे को मेन काम पे आना चाहिए. सो आज टुडे आई थॉट कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि ज़्यादा झमेला भी नहीं होगा एंड सब कोई कर पाएगा. हाँ, ऐसे वीडियोस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे बट ये मेरा वर्जन है एंड आपको अगर अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो कर लेना, और क्या. सो या मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग वगैरह कर लिया है एंड मैं अपने बाल पीछे कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत देंगे. एंड मेरा स्किन टाइप मैं बता दूँ आपको, मेरा स्किन टाइप ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है. सो यस, आई हैव लॉट्स ऑफ मार्क्स. सो दोज आर ब्यूटिफुल क्या ही. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू कि मैंने मॉइस्चराइजिंग वगैरह कर लिया था एंड दैट्स डन. एंड मैंने थोड़ा देर उसको सेटल होने के लिए दिया था. अभी मैं थोड़ा प्राइमर अप्लाई करूँगी एंड मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ एटलीस्ट अफोर्डेबल रेंज के सारे आइटम्स होने चाहिए जो इजीली अवेलेबल है. एंड अगर कुछ चीज़ आपको नहीं मिलता है तो आपके पास जो है वो आप यूज़ करो. ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम ही करना है भाई. मतलब मेरे स्किन पे जो मेरे को सूट करता मैं वही कर रही हूँ. तो फिलहाल प्राइमर के लिए लोटस इकोस्टे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, तो जो भी गड्ढे वड्ढे हैं ढक जाएंगे, मतलब ढक जाएंगे इन द सेंस फिलअप हो जाएंगे, तो फॉर फॉर्मिंग अ स्मूथ बेस. तो मैंने थोड़ा सा ही दिया है, ज़्यादा आपको चाहिए नहीं. आपको जहाँ पे गड्ढे वगैरह होंगे उधर ही आपको अप्लाई करना है, मतलब रिंकल्स वगैरह या एनी काइंड ऑफ मार्क्स टू मेक इट लिटल बिट ऑफ स्मूथ. तो मैं अपने ये जो मार्क्स वगैरह हैं इधर अप्लाई कर रही हूँ और स्पेशली इन टू द टी जोन. तो अभी विंटर है, विंटर में नॉर्मली आप अगर कुछ ज़्यादा मेकअप करोगे तो वो नॉर्मली बहुत ड्राई कर देता है. तो इट्स अ मतलब नॉर्मल है कि आप थोड़ा ड्यूवी मेकअप करो तो वही अच्छा है. बट ऐसा नहीं है, ड्यूवी मेकअप ज़्यादा देर सेट नहीं रहता है, उसको आपको सेट करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो मूव होते रहेंगे. तो अभी फिलहाल मैं ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. शेड कौन सा है भाई? 330 होगा आई गेस. नहीं, 330 नहीं है जी, हाँ 310 सॉरी 310 मेरा शेड है. तो मैं लगभग एक पंप इतना ही यूज़ करूँगी एंड फिर जब मेरे को कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं आगे जाके उसको एक्सेस ले सकती हूँ. एंड आई प्रेफर टू यूज़ इट लाइक वन टाइम, मतलब एक साइड में पहले यूज़ करके फिर दूसरे साइड में, या पूरा मैंने लगा ही लिया अभी, क्या एक दूसरा एक साथ सब बोल के फायदा नहीं है. लेकिन ब्लेंड भी जल्दी करना है तो मैंने ये नॉर्मल एक ब्यूटी स्पंज लिया है, कुछ ऐसा 30 मार्खा नहीं है मेरे पास, तो ब्लेंड कर लो अच्छी तरीके से. तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, मैंने और थोड़ा सा लेके जो भी मैंने इधर उधर ब्लेंड करने के लिए किया, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मेरे को ये जो एक्ने मार्क्स है फिर भी पीक थ्रू कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरा एकदम पुट्टी प्राइमर लगा लिया, वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे को वैसा वाला पसंद नहीं है. मतलब मेरे को स्किन जैसा लगना चाहिए. सो अभी आपको लग रहा होगा कि ये लाइट है, ऑफकोर्स सेटल होने दो, ऑक्सीडाइज होने दो, सब्र करो. तो अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी क्योंकि
आई एम फीलिंग लिटिल बिट कंसीलिंग इज नीडेड, स्पेशली अंडर आइज में ये वाला एरिया. मैं ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को इधर थोड़े थोड़े फाइन लाइन्स हैं. हाँ हाँ एज हो रहा है बहन, रुक जाओ. तो मैं इसके लिए एले प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड शेड है प्योर बेज. तो ये थोड़ा सा पीची अंडरटोन का है तो इसलिए मेरे को वो जो थोड़ा सा डार्क जो लगता है ना वो ढक जाएगा. एंड आपको शायद दिखने में लगेगा कि ये मैं ट्रायंगल शेप का क्यों नहीं कर रही हूँ, ये तो रॉबर्ट विल्स का शेप में क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को उतना चाहिए नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा कंसीलिंग ही चाहिए. एंड ये कंसीलर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत. और वही स्पंज ले लो, स्पंज क्या होता है भाई, स्पंज. कोई कोई करता है ना कि थोड़ा देर कंसीलर को रहने देते हैं फिर थोड़ा देर के बाद वो ब्लेंड करते हैं, बट कोई नहीं, मेरे को उतना चाहिए नहीं. मैंने वैसे ही बोला कि कभी कभी मेकअप इतना जल्दबाजी कर लेते हैं लोग कि मतलब होता है ना ओकेशन में आपको 15 मिनट है, 15 मिनट में सब कुछ करो, तो 15 मिनट में मतलब इतना बोलने का भी टाइम नहीं मिलता होगा, ऑफकोर्स नहीं मिलता होगा. तो मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अभी मैं क्या करूँगी ना, मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी पाउडर से, जो कि मैं मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है 25 मीडियम. तो मैं वो ही स्पंज लूँगी और दूसरे तरफ से थोड़ा सा लूँगी. गिरो नहीं बाबू. एंड मैं देख लूँगी पहले कोई क्रीज है कि नहीं, नहीं है तो भगवान भरोसे. चलो सेट कर दो. एंड जैसे कि मैंने बोला कि जो आप नॉर्मली विंटर में ज़्यादा मैट हो जाता है सब कुछ, तो आप मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है वो भी थोड़ा मैटिफाइंग है, तो मैं पूरा फेस तो सेट नहीं करूँगी, जो मेरे स्पंज में बचा खुचा होगा वो ही मैं इधर उधर कर लूँगी. एंड अगर आपका फेस फिर भी ऑयली लगे तो थोड़ा सा लो और इधर मैं थोड़ा सा भी करूँगी, वैसे दिखाने का मतलब वही है क्योंकि मेरे नोज पे फाउंडेशन रहता नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया है एंड नोज एंड अपर लिप्स में, तो थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है. तो ये हो गया मेरा पाउडर से सेटिंग डन. एंड अगर आपको और थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर से सेट करना है तो करो भाई, आपका फेस है, आपको जो भी करना है करो, हाँ ठीक ठाक से करो, बस दिखने में अच्छा लगना चाहिए. तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, मैंने मेरा आईब्रो इधर तक था तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों इधर ऑलरेडी बाल आ गए, मतलब इधर ऑलरेडी आईब्रो आ गए एंड इधर मेरे को एक कट मार्क भी आ गया था. मैंने घर पे किया था वो फेशियल रेजर से, सो अच्छा क्वालिटी का नहीं था, ट्विंकल रेजर ना क्या बोलते हैं उसको, उससे किया था. एनीवे छोड़ो, तो मैं अभी थोड़ा सा कलर देने के लिए, क्योंकि मेरा मुंह तो ऑलरेडी पंपकिन जैसा राउंड है, बहुत अच्छा है पंपकिन, बट अभी कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लैट वाला पंपकिन लग रहा है. नो ऑफेंस टू पंपकिन, पंपकिन इज गुड, विटामिन सी है उसमें, अच्छा लगता है, लहसुन के साथ फ्राई करके खाओ कभी, मुँह तो लगता है. एनीवे सो आई विल बी अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर. तो ब्रॉन्जर के लिए मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का क्या ये डुओ फेस स्कल्प्ट बोलते हैं इसको, तो मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा मतलब ब्रॉन्टोरिंग जिसको बोलते हैं, ब्रॉन्जर का कंटोरिंग, वो वाला मैं करूँगी. तो उसके लिए मैं फ्लफी सा ब्रश लूँगी. हाँ इसमें थोड़ा ब्लश भी लगा हुआ होगा क्योंकि मैं मेरे को आलस बहुत है, तो एक ही ब्रश से काम चल जाए ऐसा वाला काम करती हूँ मैं. सब कोई करता है भाई, सब कोई नहीं करता, सब मेरे जैसा नहीं है. एनीवे सो आप लोग सोच रहे होगे कि आपने बोला कॉन्ट्रोलिंग करना है तो नॉर्मली स्मॉल ब्रशेस लेते हैं कॉन्ट्रोलिंग के लिए, मेरा फेस बहुत बड़ा है. नहीं मैंने बोला ही कि मेरे को एक ही ब्रश में सारा काम चलाना है, और अगर आपको छोटा करना भी है तो ब्रश को ऐसा लो फिर ऐसा करके कर लो, क्या ही प्रॉब्लम है. तो मैंने एक साइड का जो ब्रॉन्टोरिंग वाला करना था मैंने कर लिया है, तो आपको अगर साइड बाय साइड दिखेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला साइड एंड ये वाला. मैंने बहुत हल्का सा किया है क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो एक स्ट्राइप जैसा दिखेगा, तो उसमें ब्लेंड करने में दिक्कत होगा. तो आपको बिल्डेबल वाला स्टेप
या क्या बोलते हैं उसको, लेसेस मोड, हाँ लेसेस मोड वाला टेक्निक यूज़ करना है कि थोड़ा थोड़ा करके लो, फिर आपको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा लेके कर सकते हो। तो मैं वही ब्रश से जो मैंने किया यूज़ किया, तो पहले तो मैं ये वाला जगह पे अपने मतलब साइड, ये क्या बोलते हैं इसको, चीक्स, भाई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं जैसे करती हूँ वैसे बता रही हूँ, तो डोंट माइंड है। तो ये जो हेयर लाइन का एरिया है जो चीक के पास है साइड में, या आप थोड़ा सा करके पैटिंग मोशन से आप थोड़ा सा उसको वार्म करो पहले। मेरे को ये वाला ज़्यादा पसंद है, इससे थोड़ा फेस मेरा और ओवल दिखता है, तो इसलिए मैं करती हूँ। एंड देन थोड़ा सा पिंच करो ब्रश को, बस प्रेस करो, मतलब प्रेस करो, खुश रहो, वो वाला चीज़ नहीं, सॉरी फॉर द जोक, बहुत गंदा जोक था। अभी नॉर्मल ब्रश का जैसा शेप है वैसा करके आप ये स्टैम्पिंग मोशन में अपना, सॉरी मैं अपने बाल भी अपने ब्रश से हटा रही हूँ, मैंने कहीं पे तो देखा है लोग क्या करते हैं, मतलब लोग नहीं सॉरी वेरी सॉरी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा है ब्रॉन्जर या कॉन्ट्रिंग जो भी करना है आप थोड़ा सा अप फ्लिक करना, नीचे वाला ड्रैग मोशन में मत करना। एंड अगर आपने पूरा फेस सेट नहीं करते हो एंड आप मतलब आपका मैटिफाइंग फाउंडेशन अगर है, फिर भी अगर आपका फाउंडेशन मतलब ड्यूई रहता है या मतलब सेट होता नहीं है, अगर उसके ऊपर आप फाउंडेशन सॉरी ब्रॉन्जर या कॉन्ट्रोलिंग कुछ भी अप्लाई करते हो, तो डोंट ड्रैग इट, इसको ऐसे स्टैम्पिंग मोशन पे आप करो, तो उससे आपको पिगमेंटेशन भी मिलेंगे एंड आगे जाके आपको हेल्प भी होगा। एंड ऐसा कचरा वाला प्रोडक्ट भी यूज़ मत करो जिससे आपको ब्लेंड करने में दिक्कत हो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अफोर्डेबल हो लेकिन गुड क्वालिटी का हो, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। एंड मैं थोड़ा ये मेरा डबल चिन जो है, मैं इसको थोड़ा सा डबल चिन से थोड़ा डेढ़ चिन में लाने का कोशिश कर रही हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है बट एनीवे दिलासा, वैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, मेरा ही थोड़ा है, डबल चिन हो डेढ़ चिन हो पंपकिन चिन हो, मेरा फेस है सुंदर है अच्छा है, अपने आप को डिग्रेड करूँगी तो डिग्रेड ही करती जाऊँगी, सो डिग्रेड मत करो, प्रो टिप। और मेरा ब्रश में जो भी बचा कुचा का प्रोडक्ट है मैं थोड़ा सा इधर अप्लाई कर रही हूँ, ये ऑलरेडी 12 मिनट हो गया, अभी मैं पूरा मेकअप भी करने वाली थी, इतना बकबक करोगी तो कैसे चलेगा दीदी। एनीवे तो मैं अभी फिलहाल मैं थोड़ा देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को कैमरे में तो ठीक ठाक लग रहा है बट आप जब रियल दिखोगे तो इट लुक्स लिटिल बिट डिफरेंट, सो आई विल अप्लाई लिटिल बिट मोर हियर, हाँ ये तेढ़ा इर्छा कुछड़ा कुछ भी फेस कर लो, नॉर्मली मेरे को बोला था फिश माउथ ऐसे कर लो, खोचला बना लो थोबरे को, वो ज्यादा अच्छा रहे। तो नाउ माई फेस लुक्स लिटिल बिट ओवल, सीधा सीधा मतलब एकदम जैसे लगता है कोई मुंह में तो प्लेट मार के गया ऐसा वाला फेस नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा है कि हाँ चलो फेस में जान है। एंड अभी मैं क्या करूंगी, जो भी बचा कुचा है अभी मैं थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करूंगी, लगभग मेरा मेकअप सेट हो गया, मेरा फाउंडेशन एकदम सेट हो गया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम परफेक्ट, तो अभी मैं इसके बाद ब्लश अप्लाई करूंगी एंड हाइलाइटर अप्लाई करूंगी, अयो एंड देन मैं पूरे आई मेकअप पे जाऊंगी, तो आई मेकअप तो बस सिंपल रखना है, क्या ही ज़्यादा खोज पोछ करना है, उसके लिए मैं ये शुगर का ब्लश है कोरल क्लाइमेक्स, ये वाला शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है इंडियन स्किन टोन के लिए, तो भाई भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सीरियसली। और ये
मेविलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइट, कौन सा शेड है भाई, 100 मोल्टन गोल्ड। तो ये दोनों मैं अप्लाई करूँगी, एक साइड अप्लाई कर लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ वापस। तो मैंने एक साइड का अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है चमकीला चमकीला, मतलब हाईलाइटर अप्लाई हो गया। थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया है तो मैंने वही इधर साइड दिखाना है आपको। तो पहले अपना ब्लश लो, ब्रश लगो, ब्रश ब्लश और ब्रश बहुत दिक्कत देती है। अभी मेरे को मेरी एक फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने जब मेरा मेकअप किया था एक बार एक फंक्शन के लिए, तो उन्होंने बोला था स्माइल करो ऐसे, फिर उन्होंने ब्लश ऐसे अप्लाई किया था और मैंने देखा था उन्होंने मेरे शेप पे, मैं तो मेरे फेस पे पे, तो उन्होंने कुछ ऐसे इधर लेके गए थे, मतलब टेम्पल्स जो इधर का पोर्शन बोलता है ना, इधर तक लेके गए थे। एंड लिटरली मेरा फेस थोड़ा और, मतलब क्या बोलते हैं, इलोंगेशन हो रहा है, ओवल, क्या हालत हो गई है मेरी। तो एनीवे ये मेरा ब्लश अप्लाई हो गया है एंड ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है भाई साहब, तो थोड़ा ही काफ़ी है। तो हो गया, मैंने बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई किया था एंड अभी ये हाइलाइटर है, आपको जितना चाहे अप्लाई करना है करो, आपकी मर्जी, आपका प्रोडक्ट, मेरे को थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। एनीवे हाइलाइटर के टाइम भी उन्होंने वही बोला था कि आप स्माइल करो, तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन। तो ये आपको दिख के लगेगा कि ये साइड बहुत स्मूथ लग रहा है, ये साइड थोड़ा सा किची किची लग रहा है, मतलब लग रहा है तो बोल भी दो। तो उसका भी मैंने, उसने टेक्निक किया था कि अपने स्पंज से जिसने अपने फाउंडेशन या कंसीलर बिल्ड किया था वो ही आप अप्लाई कर दो एंड जो भी बचा कुचा आपका हाइलाइटर अपने ब्रश में होगा वो ही आप अपने नोज में लगा लो, क्योंकि मेरे को ना वो पॉइंटी वाला हाइलाइटर पसंद नहीं होता। तो वैसे भी यही काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं वही ब्रश स्पंज लूँगी एंड मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो अगर आपको फिर भी आपका फेस लगता है कि अभी लाइट है, ये नेक से थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपना परफेक्ट शेड लगाया था। मेरा जो परफेक्ट शेड फाउंडेशन है 310 सन बेज, ये मेरा परफेक्ट शेड है फॉर NC37 टू NC40 के लिए। तो थोड़ी देर जाके सीरियसली सेट हो जाता है एंड लिटरली ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होता है, तो या वैसा कर सकते हो। तो ये मेरा बेस रह गया। तो अभी आपके पास अगर क्या बोलते हैं सेटिंग स्प्रे है तो सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लो। मेरे पास सेटिंग स्प्रे तो है नहीं, लेकिन ये विच हेजल का डिस्टिलेट स्प्रे है अल्कोहल फ्री, तो यही मैं ऐसा यूज़ करती हूँ फॉर ओवरऑल सेटअप। लेकिन इसका स्प्रे वाला गंदा है, ये वाला जैसा लगता है ना कि फुहारा छोड़ दिया मुंह पे कोई, इतना पानी, मतलब क्या ही कर सकते हैं। बट ये अच्छा है, मतलब इट्स रियली गुड फॉर ऑयली स्किन टोन, मैंने सुना है विच हेजल इज रियली गुड। एंड मैं ये जो नेचर्स तत्व का जो है इसका मैं भृंगराज पाउडर और एक बेंटोनाइट क्ले है वो भी यूज़ कर रही हूँ। भृंगराज पाउडर बहुत अच्छा है हेयर के लिए एंड वो मैं दही में मिला के हेयर पैक के हिसाब से यूज़ करती हूँ, तो मेरा हेयर बहुत क्या बोलते हैं, मतलब डर्ट तो निकल जाता है एंड बहुत स्मूथ भी रहता है, ऑब्वियसली दही जाता है तो स्मूथ रहेगा ही। एंड या सो दिस इज़ माई बेस मेकअप एंड मैं दूसरे वीडियो में आपका आई मेकअप करके दिखाऊंगी। होप ये आपको मेरा वाला छोटा सा नहीं, बहुत पक लिया, बहुत बड़ा भी हो गया, 20 मिनट का ऐसे ही वीडियो हो गया। तो ये आपको जो बेस मेकअप आपको ये अच्छा लगे एंड हेल्पफुल लगे एंड
या अगर आपको अच्छा लगे तो आगे जाके और भी वीडियोस देखो, मैं जितना पोस्ट करूँगी. एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू क्रिटिसाइज या कुछ नेगेटिविटी या आपका भड़ास निकालना है तो मेरा चैनल माफ़ कर दो. मेरे चैनल पे ये सब गंदगी मत करो, अपनी ज़िंदगी में करो, चलेगा. या एंड अगर आपको अच्छे कमेंट्स रखने हैं तो प्लीज़ वेलकम, मेरे को बहुत ज़रूरत है अच्छे कमेंट्स की. हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने तो जोर नहीं कर सकती, अगर आपको पसंद आए तभी आप करो. एंड इफ़ यू डोंट, कोई फोर्स नहीं है कि करना ही है नहीं करना है, लाइक करना है मत करो. आपकी ज़िंदगी है, आपको कुछ जो करना है करो. आपने वीडियो देख लिया यही काफ़ी है मेरे लिए, और आपको अगर हेल्पफुल लगा तो बहुत अच्छा है. एनीवे, सो नेक्स्ट आई लुक के लिए तैयार रहो.